यार शहर के अंदर रात के 3 बजे ये कौन सा काम चल रहा है, हो क्या रहा है? सुने रात के 3 बजे रहे और देखें रात के 3 बजे यहाँ हो क्या रहा है। तो मुझे जो है फौरी पता चला तो मैं भी आया कि यार शहर के अंदर रात के 3 बजे ये कौन सा काम चल रहा है, हो क्या रहा है। मैं तो खुद परेशान हूँ, आवाम में भी जो है परेशानी मची हुई, क्या हो रही है। तो आए मैं ऊपर दिखाता हूँ कि चल क्या रहा है। भाई ज़रा आए इधर आ जाए। तो भाई ये जल्दी जल्दी आए, ये देखें कि क्या चल रहा है। भाई पहले तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएं ज़रा कि चल क्या रहा है। ये देखें ज़रा भाई, ये देखें ये जो है यहाँ पे ये चल रहा है। तो भाई जो है ना मैं खुद परेशान हो गया, इसलिए कि एक शहर में जो है कशमाकश लगी पड़ी है कि ये हो क्या रहा है और बाहर यहाँ पे जो है सफाई कैसे स्टार्ट हो सकती है। मैं खुद परेशान था जब ही मैं आया। तो आइए बात करते हैं, यहाँ पे जो है काम करने वाले थे, थोड़ा सा जो है मैं कहूँगा ये थोड़ी सी बस ये है, ये बंदा है भाई, बड़ी मुश्किल से ढूंढ रहा है। अच्छा भाई आपका नाम क्या है और ये आधी रात के 3 बजे जो है, आधी रात हो रही है, क्या कर रहे हो भाई? भाई ये प्रिंटिंग कर रहे हैं, असल में ये रेगुलर जो 12 महीने का काम होता है ना वो हम रात में निकालते हैं, रात के 3-4 बजे। रात के 3 बजे? लेकिन भाई ये रात के 3 बजे कौन सी प्रिंटिंग हो रही है? असल में मसला ये है कि आपको पता है इलेक्शन पहले दिन के अंदर जो है ना सब इलेक्शन वाले हमारी जान नहीं छोड़ते हैं कि हमारा प्रिंट निकाल के दो, कभी पीपल पार्टी नून लीग जमात इस्लामी वाले, दिन में असल में हम लोगों के पास कश्मकश लगी रहती है, हमारे प्रिंट क्योंकि हमारे ये 12 महीने से जो प्रिंट है ना ये इनको फिर हम रात में सुकून से निकालते। तो मतलब यार पहले तो ये बताओ कि पहले तो ये कश्मकश लगी पड़ी है शहर के अंदर, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और आपके पास जो है मैं देख रहा हूँ कि भाई वो इलेक्शन कंपेन का काम शुरू हो गया है और सियासी जमातों के पोस्टर छप रहे हैं। तो भाई क्या कहना चाहोगे भाई कि वाकई इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहोगे आप, शहर में क्या हो रहा है और आप कुछ छाप रहे हैं, क्या कहेंगे? बस मेरे को तो मैं यहाँ पे जब काम कर रहा होता हूँ दिन के अंदर मुझे तो लगता है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन मैं जब रात को बाहर जाता हूँ तो लोगों के मुझसे यही सुनने होता है हमें चाहे तुम पागल बने हो, रात को वो दिन को प्रिंटिंग कर रहे हो और इलेक्शन होंगे नहीं, तुम लोग क्यों प्रिंट कर रहे हो? मेरे अल्लाह भाई अल्लाह करे तुम्हारी जबान कबूल हो जाए कि इलेक्शन कैंसिल हो जाए, अच्छा है दोबारा इलेक्शन होंगे तो मेरे पास तो दोबारा काम आएगा, मेरी तो डबल गाड़ी चलती रहेगी। तो ये बताएं कि सियासी जमातों का काम शुरू हो गया है, कंपेन शुरू हो गई, तो आप खुद जो है क्या समझ रहे हो कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, जिस तरीके से आपके पास काम की तादाद है रात के 3 बजे तक छपाई कर रहे हो? भाई भाई मेरे को तो लगता है कि इलेक्शन होंगे। आपको लगता है? बाकी बाहर दुनियादारी वाले क्या कहते हैं जब यहाँ से बाहर निकलते हो? वो तो बोलते नहीं होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जब सारी पार्टियाँ इतना पैसा लगा रही है तो इलेक्शन कैंसिल होंगे तो उनका लॉस है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कैंसिल हो पाए क्योंकि इतना पैसा लोगों ने लगा दिया, लाखों रुपये की प्रिंटिंग करा दी। तो ये बताएं अच्छा मुझे कि रात को घर वर जाते भी हो, कोई भाभी भाभी से कोई नाराजगी वाराजगी तो नहीं होगी कि रहे भाई घर ही नहीं आ रहे? नहीं भाभी क्या नाराज़ होंगी, भाभी को पता है कि लोग घर में ही आ रहे हैं, अच्छा खाना है अच्छा पहनना है तो वो क्यों नाराज होंगी। चले भाई सही बात है, आप ये देखें आप कि मशीन देखें ये जो चल रही है ना ये ऐसे नहीं चल रही है भाई, इस मशीन पे जो है ना वो अब तय कर रही है कि इलेक्शन की जो है ना वो तैयारियाँ शुरू हो गई है और शहर में जो है ना वो इलेक्शन होंगे। देखिए आवाम में कश्मकश जो है वो जारी है और हॉट इशू और रोज़ की बात जब भी बैठते हैं सामने आमने सामने तो यही होती है कि भाई इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, टॉपिक ही यही है शहर का। तो मैंने जो है ना आपको दिखा दिया कि सबूत के ये क्या हो रहा है, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि शहर में इलेक्शन होंगे। तो भाई आप देख लें तैयारियां शुरू हो गई इलेक्शन की और आवाम भी यही कह रही है कि उनको भी लग रहा है, छापने वाले भी जब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे तो क्या पता, अल्लाह बड़ा बादशाह जो भी आए और अच्छा आए और पाकिस्तान के लिए अच्छा करे और इलेक्शन होने चाहिए जमहूरिया के और आवाम को निकलना चाहिए भाई। जी ज़रूर निकलना चाहिए, हमके लिए सबकी आवाज़ उठानी चाहिए हर चीज़ के लिए और इलेक्शन के लिए आप सही बोल रहे हैं कि जो भी आए आवाम के लिए अच्छा थे। इस बार ज़्यादा पोस्टर है कि किन लोगों के जो है देखने में आ रहे हैं छपरे? अभी इस वक्त तो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी की प्रिंटिंग होती हुई ज़्यादा दिख रही है। पीपल्स पार्टी की दिख रही है भरपूर? हाँ दब के करा रहे भाई, कितना काम आ गया पीपल्स पार्टी का माशाल्लाह से। समझ लें कि अगर दूसरी जमात अगर 25% करा गई तो ये माशाल्लाह 80% करा चुके हैं। चलो यार और भी पार्टियां हैं जो करा रही है? देखिए पार्टियां करा तो सभी रही है लेकिन इतना नहीं करा रही जितना पीपल्स पार्टी करा रही है। मैं तो पीपल्स पार्टी को बोलूँगा गुड, अच्छा हमारी जेब में नोट आ रहे हैं भाई। हाँ भाई देखो जरा कोई भी पार्टी हो, पार्टी कोई भी हो भाई, सिर्फ जो है भाई कह रहे हैं नोट आने चाहिए ताकि काम चलता रहे। चले अच्छी बात है, इलेक्शन अल्लाह करे हो ताकि ये रोजी रोजगार जो है बढ़ता चला जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेहमान सैयद आनियाल को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।